कर्नाटक के 17 अयोग्य विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। ये विधायक चुनाव तो लड़ सकते हैं, लेकिन जो विधानसभा के स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किया था उसको अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बी के हरिप्रसाद हैं। सर, 50-50 जजमेंट लोग कह रहे हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, जस्टिस देने के लिए लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। कर्नाटक के जनता जो है वो जस्टिस देंगे, भले ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 50-50, मगर जस्टिस जो पूरा जस्टिस तो लोग देंगे। अब ये जो 17 विधायक हैं ये रिकंटेस्ट कर सकते हैं, आपको लगता है कि उससे वहाँ जो भी सरकार है वो क्या स्थिति में बदलाव आप देख रहे हैं आने वाले टाइम में? देखिए, लोग अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में लोग इन लोगों को सबक सिखाया है, जो पार्टी छोड़ के गए हैं उसको अपना रास्ता दिखाया है, इसलिए इस पर कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, निर्णय बहुत अच्छा रहेगा। ये 17 विधायक ज़्यादातर कांग्रेस या जेडीएस के थे, अब इनको वापस अगर चुनाव लड़ते हैं, लोगों के बीच जाना है मैंडेट के लिए, इनके लिए भी एक लेसन है? बहुत बड़ा लेसन है, जो कांग्रेस पार्टी से और जेडीएस के पार्टी में चुनने के बाद ये लोग सरकार को गिरा के कुछ मंत्री बनने के लिए लालची लोग गए हैं, इन लोगों को लोगों ने सबक सिखाएंगे। वो ठीक नहीं किया, जो भी गया है वो गलत था, मगर लोग इस बार अच्छा न्याय देंगे उधर। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि जो एक ये लोग कह रहे हैं कि अब मोरल नहीं रह गया है वहाँ पे, जो येदियुरप्पा सरकार है, जिस तरह से आप लोगों का आरोप था कि हॉर्स ट्रेडिंग हुआ और इसके बाद सरकार बनाएंगे, पूरा दुनिया जानता है उसका, आपका येदियुरप्पा का टेप से सब जान जाता है कैसा ये सरकार बना है, तो हज़ारों करोड़ों रुपया उसमें डाल दिया है क्योंकि सरकार बनाने के लिए। अभी उधर साबित हो रहा है, अपना एक एक आदमी अपना बयान दे रहा है, उससे लगता है कम से कम 500-600 करोड़ रुपया इन लोग खर्च करके इन लोगों को एमएलए को खरीदा है, लोग उसका पूरा हिसाब किताब करेंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से बी के हरिप्रसाद जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, अब कर्नाटक की जनता जस्टिस करेगी। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।